नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से मैं आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी विषय, और हिंदी विषय में हम पढ़ेंगे पार्ट तीसरा, गौरैया मेरी सहेली। बच्चों, आपने अपने आसपास परिसर में इस प्रकार की चिड़िया को देखा होगा। इस चिड़िया को गौरैया कहते हैं। तो आज की जो कहानी है वो है एक गौरैया की और एक छोटी सी लड़की की। बच्चों, वो लड़की आप ही की उम्र की है। इस कहानी में बच्चों, गौरैया उस लड़की के कमरे में घोंसला बनाना चाहती है, लेकिन ये बात उस लड़की को पसंद नहीं आती। और जब गौरैया अपना घोंसला बनाती तो वो लड़की उस गौरैया के घोंसले को बिगाड़ देती, लेकिन गौरैया हार नहीं मानती। वो फिर से अपना घोंसला बना देती, लेकिन वो लड़की फिर से उसका घोंसला बिगाड़ देती। बच्चों, ये सिलसिला कई दिनों तक चलता है और ये बात पूरे घर में फैल जाती है कि लड़की और गौरैया में लड़ाई चल रही है। इसी बात को लेकर जब लड़की के बड़े भाई पूछते हैं कि कौन हारा, कौन जीता, क्या तू एक छोटी सी गौरैया से डर गई? इस बात को सुनकर वो लड़की और गुस्से में आ जाती और जाकर उसे घोंसले को बिगाड़ देती। बच्चों, आपको क्या लगता है, क्या गौरैया उस लड़की से हार जाती है या फिर लड़की उस गौरैया से हार जाती है? क्या आपको जानना है? चलिए, जानने के लिए हम पढ़ेंगे हिंदी बाल भारती के पेज नंबर 6 को, जहाँ पर लिखा है गौरैया मेरी सहेली। बच्चों, यहाँ पर लिखा है गौरैया मेरी सहेली। बच्चों, ये एक कहानी है। हमेशा कहानी कहते समय हमारे आवाज़ में उतार चढ़ाव होना चाहिए, इसलिए जब मैं कहानी पढ़ रही हूँ तो आप ध्यान से उसे सुने और समझें। इस कहानी को थोड़े थोड़े भागों में मैं पढ़ूंगी और फिर समझाऊंगी, तो ध्यान से आप इस पाठ को समझेंगे। वह घोंसला बनाती, मैं बिगाड़ती। वह मुझे देखकर फुर्र से उड़ जाती और मैं गुस्से में आ जाती। पता नहीं इतना जबरदस्त विरोध होने पर भी वह अपने काम से हट नहीं रही थी। वह काम में जुटी रही और मैं परेशान होती रही। इस संघर्ष में कई दिन बीत गए। बच्चों, यहाँ पर वो लड़की कहती है कि वह घोंसला बनाती, मैं बिगाड़ती। वह यानी कि गौरैया, गौरैया घोंसला बनाती और मैं बिगाड़ देती। वह मुझे देखकर फुर से उड़ जाती। लड़की कहती कि जैसे ही गौरैया मुझे देखती वो फुर से उड़ जाती और मैं गुस्से में आ जाती। पता नहीं इतना जबरदस्त विरोध होने पर भी वह अपने काम से हट नहीं रही थी। लड़की कहती है कि मैं इतना मना करती थी, मैं इतना से परेशान करती थी, उसके घोंसले को बिगाड़ देती, फिर भी न जाने क्यों वो अपना घोंसला फिर से बना लेती। वो काम में जुटी रही और मैं परेशान होती रही। इस संघर्ष में कई दिन बीत गए। बच्चों, संघर्ष मतलब जब कोई मुश्किल घड़ी होती है, मुश्किल परिस्थिति आती है, उस समय हम उस परिस्थिति से निकलने के लिए जो प्रयास करते हैं, जो कोशिश करते हैं, उसे संघर्ष कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर लड़की कह रही है कि मैं उसका घोंसला बिगाड़ देती, लेकिन फिर भी वो घोंसला बना देती और वो नहीं मानती और वो काम में जुटी रहती और मैं परेशान होती रहती। आगे पढ़ेंगे बच्चों। धीरे धीरे यह बात सारे घर में फैल गई कि मैं एक छोटी सी चिड़िया से लड़ रही हूँ। ये बात पूरे घर में सभी को पता चल जाता है कि लड़की का झगड़ा चिड़िया से चल रहा है। भाई साहब चिढ़ाते हुए पूछते, कौन जीता कौन हारा। उसके बड़े भाई साहब उसे पूछते और चिढ़ाते कि कौन जीता कौन हारा, धत तेरी की, थक गई वह भी एक नन्ही सी गौरैया से। भाई साहब जितना मुझे चिढ़ाते उतना ही मेरा पारा चढ़ता। पारा चढ़ता मतलब बच्चों होता है गुस्सा आना, यानी कि जब भाई साहब उसे पूछते कि कौन जीता कौन हारा और क्या तुम एक नन्ही सी गौरैया से थक गई, ये बात सुनते ही मेरा पारा चढ़ जाता, ऐसा लड़की कह रही है। पारा चढ़ना यानी कि गुस्सा आना।
एक दिन भाई साहब आए और हंसकर बोले, क्यों भाई, लड़ाई का क्या हाल रहा? भाई साहब उसे पूछते हैं कि क्या हुआ, लड़ाई में क्या हुआ, क्या हाल रहा? ऐसा लगता है जैसे समझौता हो गया। समझौता यानी कि बच्चों मेल मिलाप हो जाना, सब कुछ ठीक हो जाना। मैंने कहा, भाई साहब अब जाने भी दीजिए, मैं तो बेचारी गौरैया पर नाहक नाराज होती रही। नाहक का मतलब होता है बच्चों बिना कारण। जब भाई साहब पूछते हैं कि लड़ाई का क्या हाल रहा, तो लड़की कहती है कि भाई साहब जाने दीजिए, मैं तो बेचारी गौरैया से बिना वजह ही नाराज होती रही। यह तो बड़ी हिम्मत वाली निकली। हिम्मत वाली मतलब साहसी। मुझे तो इससे सबक लेना चाहिए कि मुकाबला करने वालों को कोई हरा नहीं सकता। लड़की कहती है कि मुझे तो गौरैया से सबक लेना चाहिए और ये सीखना चाहिए कि जब कोई मुकाबला करता है तो उसे कोई हरा नहीं सकता है। भाई साहब आश्चर्य से मुझे देखते रहे और मैं खिलखिलाकर हंस पड़ी। आश्चर्य का मतलब होता है बच्चों हैरान हो जाना। तो भाई साहब हैरान हो जाते हैं और मैं खिलखिलाकर हंस पड़ी, ऐसा लड़की कहती है। खिलखिलाकर हंसना यानी कि जोर से हंसना। आज भी वह गौरैया मेरे कमरे में है। अब उसके दो बच्चे भी हो चुके हैं। मेरे कमरे में अब भी तिनके बिखरे रहते हैं। उन्हें मैं चुनकर एक कोने में रख देती हूँ। अब गौरैया मुझे बुरी नहीं लगती, उसमें मुझे साहस दिखाई देता है। गौरैया अब मेरी सहेली बन गई है। तो बच्चों लड़की कहती है कि आज भी वह गौरैया मेरे कमरे में है और अब उसके दो बच्चे भी हो चुके हैं। यानी कि गौरैया उसके कमरे में ही है और गौरैया के अब दो बच्चे हो चुके हैं। मेरे कमरे में अब भी तिनके बिखरे रहते हैं। उन्हें मैं चुनकर एक कोने में रख देती हूँ। लड़की कहती है कि आज भी कमरे में तिनके बिखरे रहते हैं, लेकिन मुझे गुस्सा नहीं आता, मैं उसे चुनकर एक कोने में रख देती हूँ। अब गौरैया मुझे बुरी नहीं लगती, उसमें मुझे साहस दिखाई देता है। यानी कि लड़की कहती है कि गौरैया अब मुझे बुरी नहीं लगती, अच्छी लगती है, क्योंकि मुझे वो साहसी लगती है, उसमें मुझे साहस दिखाई देता है, वो बहुत हिम्मती है। गौरैया अब मेरी सहेली बन गई है। इस तरीके से उस लड़की की गौरैया से दोस्ती हो जाती है, गौरैया उसकी सहेली बन जाती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इस कहानी में जीत किसकी होती है। इस कहानी में गौरैया की जीत होती है, क्योंकि गौरैया बहुत ही साहसी होती है, बहुत हिम्मत वाली होती है। लड़की के बार बार घोंसला बिगाड़ने के बावजूद वो अपना घोंसला बनाना नहीं छोड़ती और यही साहस देखकर लड़की भी गौरैया से हार मान जाती है और गौरैया से अब वो नाराज नहीं होती। गौरैया के अब दो बच्चे हैं। आज भी उसके घर में तिनके गिरते रहते हैं, लेकिन वो बुरा नहीं मानती। उन तिनकों को उठाकर वो एक कोने में रख देती है और अब वो लड़की गौरैया को अपनी सहेली मानती है। तो बच्चों इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि हमें हमेशा मुकाबला करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, हमेशा हमें हिम्मती होना चाहिए, साहसी होना चाहिए, क्योंकि मुकाबला करने वालों को कोई हरा नहीं सकता। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है। बच्चों इस पाठ में कई ढेर सारे कठिन शब्द आए थे, कुछ शब्द मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिखा है, आप इसे समझ लें। फुर्र से, बच्चों फुर्र से मतलब होता है जल्दी से। लड़की कहती है कि जैसे ही गौरैया उसे देखती वो फुर्र से उड़ जाती। फुर्र से यानी कि जल्दी से। अगला शब्द था पारा चढ़ना। पारा चढ़ना यानी कि बहुत गुस्सा आना। जब भाई साहब गौरैया की बात करते लड़की से, तो लड़की का पारा चढ़ने लगता, यानी कि उसे बहुत गुस्सा आता। अगला शब्द है समझौता। समझौता यानी कि मेल मिलाप हो जाना, सब कुछ ठीक ठाक हो जाना। अगला शब्द है नाहक। नाहक यानी होता है बिना कारण, बिना वजह। आश्चर्य। आश्चर्य का मतलब होता है हैरान होना, दंग होना। तो इस तरीके से बच्चों आपने कठिन शब्द पढ़े और समझे। बच्चों आज का होमवर्क ये है कि आपको ये पाठ पूरी अच्छी तरीके से पढ़ना है और आपको जो कठिन शब्द लगता है कि आपको पढ़ने में मुश्किल होती है या फिर उसको लिखने में दिक्कत होती है, उन शब्दों को चुनकर आप उसे
अपनी कॉपी में, होमवर्क की कॉपी में लिखेंगे और उसका अभ्यास करेंगे। नमस्ते।